हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रूट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो ओवरी होता है वो अंडरगोज होता है, यानी कि दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस में इमिडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो पहला प्रोसेस कौन सा है, तो उसमें क्या होता है, जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, डेवलप होता है, उसमें क्या होता है सीड का, और जो वाल होता है ओवरी का वो थिकन हो जाता है और राइपेंस इंटू पेरिकार्प हो जाता है। तो इसी चेंजेस को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। फ्रूट दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट। तो सबसे पहले सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट यानी कि ऐसे फ्रूट जो कि डेवलप होते हैं सिंगल ओवरी से, उसे हम लोग सिंपल फ्रूट कहते हैं। ये फर्दर सब डिवाइडेड है दो क्लासेस में, एक क्या है ड्राई फ्रूट और दूसरा क्या है फ्लैसी फ्रूट। तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेरिकार्प जो होता है वो मोर और लेस क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जब क्या हो जाता है वो राइप यानी कि पक जाता है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तीन टाइप्स के होते हैं ड्राई फ्रूट। एक क्या होता है डाइसेटेंट होता है, इसमें क्या होता है जो फ्रूट होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं ब्रस्ट हो जाते हैं, जब वो क्या हो जाते हैं राइपनिंग हो जाते हैं, और जो सीड होते हैं वो लिबरेटिंग करने लगते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं डाइसेंट फ्रूट कहते हैं। इन डाइसेंट फ्रूट में क्या होता है, जो फ्रूट क्या होते हैं ऑटोमेटिकली ब्रस्ट नहीं होते राइपनिंग में, और जो उनका सीड होता है वो डिस्चार्ज हो जा होते हैं कब, जब पेरिकार्प क्या हो जाता है डीके होता है, देन वो डिस्चार्ज होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इन डाइसेंट फ्रूट कहते हैं। अगला है सिजोकार्पिक फ्रूट। इसमें क्या होता है, जो फ्रूट होते हैं स्प्लिट इंटू नंबर ऑफ इन डाइसेंट यूनिट कॉल्ड मेरिकार्प। तो यहाँ पर क्या होता है, ईच पेरिकार्प जो होता है वो कंटेन करता है एक या एक से अधिक सीड को, तो जो पेरिकार्प होता है वो डज नॉट ब्रस्ट, जो सीड होता है वो लिब्रेट होता रहता है, और आफ्टर जब क्या हो जाता है पेरिकार्प डिकम्पोज हो जाता है उसके बाद, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है इंटरमीडिएट कहा जाता है डाइसेंट और इनडाइसेंट टाइप्स का जो फ्रूट होता है उसका। फ्लैसी फ्रूट। फ्लैसी फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो एंटायर पेरिकार्प होते हैं या फिर जो पार्ट होता है उसमें, वो क्या होता है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स को एसोसिएट करते हैं जो कि उसको क्या कहता है एक फ्लैसी या फिर जूसी लाइक स्ट्रक्चर देता है मैच्योरिटी में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्लैसी फ्रूट कहते हैं। एग्रीग्रेट फ्रूट। इसमें क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम अ फ्लावर हैविंग अ नंबर ऑफ फ्री कार्पेल्स। कुछ मतलब जैसे कि इसमें क्या होता है, इस टाइप से क्या होता है फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें पेरिकार्प जो कार्पल्स होते हैं तो वो डेवलप होते हैं फ्री फ्लावर से फ्री फॉर्म में कार्पल्स। तो क्या होता है, जो राइप होते हैं वो टुगेदर होते हैं और एग्रीगेट एज अ यूनिट ऑन अ कॉमन रेसिपिटल्स, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।